वेलकम माय फ्रेंड्स, मैं अजय सर आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ क्लास 12। सभी को गुड मॉर्निंग। क्लास 12 एस्थेटिक्स का चैप्टर नंबर 4, ये बुक का लास्ट वाला चैप्टर है। इस चैप्टर से जो टोटल मार्क्स के आते हैं, टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आते हैं। 12 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको एक 5 नंबर वाले आएंगे, एक 4 नंबर, कभी 4 नंबर में पूछता है, कभी 5 नंबर में पूछता है। एक 3 मार्क्स में आएंगे, दो एक टिक मारने वाले आएंगे, एक एक मार्क्स वाले आएंगे, और जनरली एक दो दो मार्क्स के आएंगे। कुल मिला जुला के लगभग आपको अप्रॉक्स 12 नंबर क्वेश्चन, कभी 12, कभी 11, कभी 10, ऐसे लगभग 12 मार्क्स के क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं इस चैप्टर से जनरली। ओके, सबसे पहले इस चैप्टर की आप शुरुआत कर रहे हैं तो चैप्टर का नाम है आपको सामयिक श्रेणी। अभी चैप्टर नंबर 2, 3, 4, ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड चैप्टर है। जहाँ दो खत्म हुआ वहाँ 3 शुरू हुआ, जहाँ 3 खत्म हुआ वहाँ 4 शुरू। इसमें सभी के विषय में जो दो एक और दो दो और तीन में पढ़े आपको वही पढ़ना है, लेकिन डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि सामयिक श्रेणी जो हम याद कर रहे हैं इसमें लगा हुआ ये समय, क्या लगा हुआ आपको समय, जो भी वैल्यू यहाँ पर लगी हुई है समय के बारे में। तो इस सामयिक श्रेणी की विशेषता क्या है कि अगर इसका डेफिनेशन कहा जाए तो डेफिनेशन क्या होगा आपको सामयिक श्रेणी का? सामयिक श्रेणी का डेफिनेशन है नियत समय में, जो भी कोई समय दिया गया हो आपको नियत समय में दिए गए अवलोकन के मूल्यों को सामयिक श्रेणी कहते हैं। इसलिए मैंने लिखा है नियत समय में दिए गए अवलोकन के समूह क्या बोलते हैं, सामयिक श्रेणी कहते हैं। जो अभी तक जो भी हम दो मान था, दो वैल्यू था, एक से एक को लेकर के दूसरे से हम मूल्य ज्ञात कर रहे थे, एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से डिपेंडेंट थी ना। लेकिन अभी यहाँ क्या है कि एक वैल्यू तो है, दूसरा वैल्यू समय के साथ बदलता जाएगा, समय के रूप बदलेगा, समय के रूप घटेगा, वो आपको सामयिक श्रेणी कहलाएगा। अभी वो लिखा हुआ है इससे संबंधित चलों से में से निरपेक्ष चल के रूप में समय को लेकर के उससे आधारित सापेक्ष चल का अध्ययन विशेष रूप से किया, समय को लेकर के उसके सापेक्ष में दूसरे चलों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है आपको सामयिक श्रेणी कहलाता है। जैसे मैं कह रहा आपको अगर जैसे देखा जाए तो पहला है देश की जनसंख्या। अब देश की जनसंख्या क्या होती है कि समय समय पर देश की जनसंख्या बदलती रहती है। जब 2011 में जनगणना हुआ था, 10-11 में जनगणना हुआ था, तो तब देश की आबादी लगभग कितना थी, 125 करोड़ के आसपास था अरे बात समय। अब 2020-21-22 में जनगणना जो होगा उसमें हमारे देश की जो आबादी बढ़ के 1 अरब के आसपास था, और अभी बढ़ के क्या हो जाएगा लगभग औसतन 1 अरब 40 करोड़ के आसपास जनसंख्या हो जाएगी हमारे देश। तो क्या हुआ जी, जनसंख्या भी क्या समय के साथ बदलता जा रहा है, जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे हमारी जो जनसंख्याएं हैं वो ये समय पर ही जनसंख्या निकल। दूसरा है जी खेती की पैदावार। अब ये मौसम पर आधारित है, समय पर आधारित है, बरसात में कुछ और खेती, गर्मी में कुछ और खेती, किस ऋतु में कभी बहुत ज़्यादा मात्रा में बाढ़ आ जाती है जी तो क्या जी पैदावार खराब हो जाती है, कभी अच्छी बारिश हुई ज़्यादा नहीं कम नहीं तो अच्छी पैदावार होती है जी, ये क्या है समय पर डिपेंडेंट। फिर थोक सूचकांक, फर्स्ट चैप्टर पढ़े हैं थोक सूचकांक निकाले हैं जी, तो थोक सूचकांक के जो मूल्य होते हैं उसमें भी परिवर्तन समय के आधार पर होता है। बेरोजगारी के आंकड़े समय के आधार पर, बेरोजगारी के आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है, समय दर समय, समय दर समय क्या होता है जी बेरोजगारी के बारे में अध्ययन किया जाता है। ये जरूरी नहीं कि आए बहुत से लोग बेरोजगार हैं तो कब बेरोजगार होंगे, कब बेरोजगारी खत्म भी हो सकती है, तो समय के साथ ये सभी आंकड़े क्या होते हैं बदलते रहते हैं। फिर क्या आयात निर्यात, आप पढ़े आयात निर्यात की जानकारी। आयात मतलब कहीं से वस्तु को मंगाना, निर्यात मतलब अपने वस्तु को दूसरी जगह भेजना, वो क्या कहलाता है आपको निर्यात कहलाता है। फिर शेयर बाजार, तो आयात निर्यात समय के साथ बदलता रहता है, शेयर मार्केट रोज बदलता है, देखते हैं सुबह कुछ और शेयर मार्केट में वैल्यू है, शाम में कोई और वैल्यू शेयर मार्केट में भी तो हो गया, यानी ये सभी आंकड़े वैसे आंकड़े जो समय के ऊपर आश्रित होते हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं जी सामयिक श्रेणी के नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं टाइम सीरीज। क्या बोलते हैं टाइम सीरीज। अरे बात सुनिए,
इसको झुकाव, इसका झुकाव, इसका भी झुकाव रेखा ज्ञात करेंगे। इसका झुकाव रेखा ज्ञात करने के दो विधि है, एक है आरेख विधि और दूसरा है न्यूनतम वर्ग विधि। आरेख विधि की आलेख किसके होना है, ग्राफ में इसके आरेख विधि ज्ञात है, उसको बाद में देखेंगे हम। सबसे पहले क्या थी, न्यूनतम वर्ग की विधि। अगर न्यूनतम वर्ग की विधि में जो पीछे पढ़े, न्यूनतम वर्ग की विधि में झुकाव रेखा का समीकरण क्या होता है, पाई कैप बराबर ए प्लस बी टी। पाई कैप बराबर क्या होता है, ए प्लस बी टी। इसमें दो चीज वैल्यू है, एक ए वाली वैल्यू है, दूसरा कौन सी वैल्यू है, बी वाली वैल्यू निकालना है। तो बी बराबर सिग्मा एन सिग्मा टी बाई की समय बाई इसके साथ में जो वैल्यू दी गई वो सिग्मा टी इंटू सिग्मा बाई है ना, बटे एन सिग्मा टी का स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। फिर ए निकालना है, ए बराबर क्या हो जाएगा जी, ए बराबर बाई बार माइनस टी टी बार, टी बार समय का। अभी क्या है ना, लोगों की संख्या दी गई है, वहाँ एक्स बाई था बस, कोई डिफरेंस नहीं है, वहाँ एक्स और बाई था, यहाँ पर टी और बाई है, बस यही डिफरेंस और कोई का डिफरेंस वो अपने से पहले चैप्टर में ये भी पढ़ा था आपने। यहाँ पर एन था, सिग्मा एक्स बाई था, सिग्मा एक्स सिग्मा बाई एन सिग्मा बाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर सिग्मा एक्स का स्क्वायर सब था जी, तो वहाँ पर एक्स सिग्मा होकर टी है, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी तो पढ़े हैं ए प्लस बी बाई बार, ए प्लस बी बाई पढ़े थे आप, या बी एक्स बाई बार प्लस बी एक्स बार, एक्स पे आपके टी आ गया, बाकी है ना लोगों की शंकु। इस तरह से हम चैप्टर की गणना करते हैं, हम देखते हैं चैप्टर हमारे क्या सवाल में, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खींच लीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, अब देखते हैं ऐसा प्रॉब्लम नंबर एक, एक्सरसाइज 4.2 का प्रॉब्लम नंबर एक। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक राज्य के अलग 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 वर्षों में मृत्यु दर की सूचना शेष कोष्टक से में नीचे दी गई है। झुकाव रेखा ज्ञात करने हेतु रैखिक समीकरण का अवलोकन करके उस पर से 2017 के मृत्यु दर का आकलन कीजिए। 2017 के मृत्यु का अगर मैं आपको आकलन करना है, यानी क्या जी, इसका ज्ञात करना है, टी बराबर 2017 का गणना करना है। 17 को मैं ज्ञात कर रहा हूँ आपको, है ना, ठीक है। चलिए अभी क्या देखिए, 22 दिया हुआ वर्ष दिया गया है 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और आपको मृत्यु दर दिया है 7.6, 6.9, 7.1, 7.3, 7.2, 6.9 और 6.9 आपको ऐसा लगातार आपको दिया गया है, ठीक है। अभी देखिए हमें यहाँ पर टी दिया नहीं गया है, जो टी की जो वैल्यू है वो टी की वैल्यू क्या दिया गया, हमको दिया नहीं गया है। तो हम क्या जल्दी करेंगे, तो टी की वैल्यू हम निकालने का प्रयास करेंगे, टी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए सबसे पहले टी की वैल्यू में क्या हो जाएगा, छोटी को पाला है तो एक मान लेंगे, ये दूसरा मान लेंगे, ये तीन मान लेंगे, ये चार होगा, ये पांच, ये छह और ये सात हो गया। अभी हमारा क्या बोल रहा है, बी बराबर हमारा जो सूत्र है, बी बराबर जो हमारा सूत्र है, क्या सूत्र आपको दिया गया है, एन सिग्मा टी बाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा बाई बटे एन सिग्मा टी का स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का स्क्वायर आपको दिया गया है, ये ज्ञात करना है। तो टी तो हम ज्ञात कर लिए, हमको यहाँ क्या चाहिए, टी स्क्वायर चाहिए और टी बाई चाहिए, दो चीजें चाहिए, तो टी स्क्वायर चाहिए तो टी का स्क्वायर है ना, क्या करना है आपको, टी का स्क्वायर निकालना है आपको। तो टी का स्क्वायर जल्दी क्या आपको गुणा कीजिए, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ, चार का स्क्वायर सोलह, पांच का पच्चीस, छः का छत्तीस और सात का उनचास। अब क्या करना है, टी इंटू बाई, ये पता है, ये पता है, ये याद कर लिया और ये टी बाई याद करना है, टी इंटू बाई, ठीक है, टी ये है बाई ये है, तो 7.6, ठीक है, ये 6 कैलकुलेटर से गुणा कीजिए, 13.8, फिर 7.1 × 9, 7.1 × 9 30.3, 7.1 × 3, ठीक है, 7.3 × 4, 7.3 × 4 कितना हो जाएगा भाई, 36। अभी 7.2 × 5, 7.2 × 5
41.4 अभी क्या है 69.6 × 6 गलत कर रहा हूं मैं 7.6 इसको 13.8 और ये 21.3 इतना इंटू फोर ये थोड़ा यहाँ पर देखिए मिस्टेक है गुना करने के पास मिस्टेक था अच्छा सुधार देखिए बेटा गुना कीजिए ये गुना करेगा कितना आएगा 29.2 आएगा अभी 7.2 × 5 कितना आपको आएगा 36 आएगा अभी 6.9 × 6 कितना आएगा गुना करेंगे तो 41.4 आएगा अभी 6.9 × 7 टी बार ये इसलिए 19 करने कितना आएगा 48.3 आएगा अरे बात समझ में ठीक है इस तरह जो हमने गणना किया ये हमने टी बाई निकाल ली अक्सर इसको जोड़ दीजिए इसको जोड़ दीजिए इसको जोड़ दीजिए इसको जोड़ दीजिए कैलकुलेटर चलाइए इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 196.6 इसको जोड़ना कितना आएगा 140 इसको जोड़ना कितना आएगा 28 और इसको जोड़ना कितना आएगा 49.9 ठीक है इतनी वैल्यू हमारी आ गई अब हम क्या करना सीखेंगे फाइनली अब हम क्या निकालते हैं टी बार और बाई बार तो चलिए टी बार निकालते हैं टी बार बराबर सिग्मा टी बटे एन टी बार बराबर सिग्मा टी बटे एन तो सिग्मा टी बटे एन कितना हो जाएगा सिग्मा टी कितना आया है 28 अपॉन कितना हो गया 27 कितना हो जाएगा 4 अब हम क्या निकालेंगे बाई बार कितना है 49.9 अपॉन 7 करें कितना है पाई कितना वैल्यू आएगा 7.13 क्या हमारा निकल गया टी बार भी निकल गया और बाई बार निकल गया जैसे जैसे मैं प्रोसेस कर रहा हूँ आपको प्रोसेस वैसे वैसे ही करना है कुछ अलग प्रोसेस आपको नहीं करना ठीक है चलो अभी क्या करना भाई बी निकालना है आप कहेंगे सर टी दो सर इसका भी यूज आएगा देखते हो चलो बी का मान निकालो बी एन एन का मान कितना हो गया 7 सिग्मा टी बाई कितना हो गया 197.6 सिग्मा टी और कितना आएगा 28 इनको सिग्मा बाई कितना 49.9 अपॉन कितना हो गया एन का वैल्यू कितना हो गया 7 सिग्मा टी का स्क्वायर 140 माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर सिग्मा टी 28 इसका स्क्वायर ठीक है अब मल्टीप्लाई कीजिए गुना करने के बाद 13.2 माइनस मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आपको आएगा 13.97 हम इन दोनों को गुना किए और इन दोनों को गुना के मल्टीप्लाई ऐसे चलिए बटे इतना गुना इतना 1980 घटाओ 28 का स्क्वायर 784 है ना चलिए अब करते हैं कितना वैल्यू आएगा हमारा -14 है ना -14 अपॉन कितना आएगा 196 तो भागा देते हो तो क्या आपको भागा देना कितना आएगा -0.0071 यानी बी के वैल्यू में निकल गई अरे बात समझ में तो हम क्या करेंगे ये निकालेंगे ये बराबर क्या हो जाएगा ये बराबर सूत्र पड़े हो उन्हें क्या होता है ये बराबर सिग्मा पाई बार है ना पाई बार माइनस टी टी बार चलो पाई बार कितना निकाले हैं 7.13 बी का वैल्यू कितना निकाले हैं -0.0714 और टी बार कितना निकाले हैं टी बार निकाले हैं 4 चलिए गुणा कीजिए 7.13 -4 7.13 माइनस प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आएगा 0.28 इन सबको जोड़ दीजिए कितना आएगा तो जोड़ दीजिएगा तो आपको आएगा 7.4 7.28
कितना हो गया, ये बराबर ये वैल्यू आ गई, ये बी की वैल्यू आ गई। अब हम जनरली क्या करेंगे, ठीक है अब हमको क्या निकालना है, उसका निकालना है 2014 की वैल्यू निकालनी है। अरे बात समझ में, तो बाई कैप बराबर कितना हो जाएगा, बाई कैप बराबर अब कितना समय निकालना है, 2017 के अंदर निकालना है, ए प्लस बी टी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 21 17, अब 17 अभी यहाँ ए प्लस बाई क्या होगा, ए प्लस बी टी की बात नहीं बी टी। अरे बात समझ में, तो टाइम कितना हो गया, देखिए 2019 9 10 11 12 13 14 15, हम निकालना कितना है 17 निकालना है, समझे ना। अभी यहाँ की वैल्यू समझिए, टी की वैल्यू यहाँ कैसे आएगी, टी की वैल्यू क्या आएगी वो समझने का प्रयास करिए। तो जब वैल्यू 9 1 10 2 3 4 5 6 7 आया, तो 2016 8 होगा, 2017 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अरे बात समझ में, टी की वैल्यू 9 कहाँ से आई, हमें 9 10 11 12 13 14 15 को दिया गया है वैल्यू, हमको निकालना है 2017 में कितना वैल्यू होगा, कि आगे भविष्य में क्या होगा, इस पर से हम भविष्य का अनुमान निकालते हैं, भविष्य का अनुमान लगाते हैं कितनी वैल्यू हमारी होगी। तो 2017 में 9 आया, कितना आएगा 9, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 15 आया 7, तो 16 आएगा 8 और 17 आएगा 9। वैल्यू कर दो, ए की वैल्यू कितनी आई है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई है 7.41। चलो बी की वैल्यू कितनी आई है 0.-0.0714 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 9। तो चलिए टी की वैल्यू 9 है, जोड़ दीजिए कितना आएगा 7.41 माइनस, उसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करें कितना 0.63 आएगा, 0.63 माइनस कर देना कितना टोटल से माइनस कीजिए जाएगा 6. तो बाई कैप की जो वैल्यू आ जाएगी 6. गुणा कितना है, कितना है 6.78 आएगा, कितना आएगा 6.78। यानी 2017 में जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 6.78 की वैल्यू हमको प्राप्त होगी। ठीक है इसको थोड़ा सा एक बार थोड़ा फिर से रिपीट कर दूं मैं, ओके क्या बोल रहा है, ये वैल्यू दिया गया है, ये आपकी वैल्यू दी गई है 19 9 10 11 12 बाई बार के ऊपर सवाल में दिया गया है। तो हमको सूत्र क्या होता है, बी बराबर एन सिग्मा टी बाई सिग्मा टी सिग्मा बाई, तो हमें ये दो निकालना है, ये दो ऑलरेडी दिया है, सो टी नहीं दिया बाई दिया टी निकालना है, टी की वैल्यू नहीं कर दो 1 2 3 4 5 6 7 और निकालना किसका है 2017 के अनुरूप। अभी पिछले चैप्टर पढ़ रहे थे कि जब एक्स का मान इतना 10 हो तो उसकी वैल्यू निकालो, 20 हो तो उसकी वैल्यू निकालो, और यहाँ क्या बोला 2017 हो, 2017 मतलब कौन सा 1 2 3 4 5 15 आ गया 7, तो 16 आएगा 8 और 17 आएगा 9, ठीक है। तो हम जो वैल्यू है इसको जोड़ दिए, टी स्क्वायर ये सबका स्क्वायर कर दिए, इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर, चार चौका स्क्वायर मतलब कितने कितने से गुणा करो, 3 × 3 4 × 4 5 × 5 6 × 6 7 × 7 ये हो गया टी बाई, बोल रहा है टी ये है बाई, इनको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, ये गुना करके आए तो टी बाई आ गया। उसके बाद क्या निकालना है, टी बार वहाँ निकालना था एक्स बार बाई बार, यहाँ क्या निकाला एक्स के बदले टी है, तो टी बार और बाई बार निकालेंगे, सिग्मा टी बटे एन, सिग्मा टी ये बटे एन 7 हो गया, 7 तक क्या है, और सिर्फ बाई बार इतना बटे 7 क्या गया 7.13 आ गया। अब बी निकालना है एन सिग्मा टी बाई सिग्मा टी सिग्मा बाई, वैल्यू पुट करो यहाँ मान रखो, इनको गुणा कर दीजिए, इसको गुणा कीजिए, इन दोनों गुणा की दीजिए, 28 का स्क्वायर 28 × 28 = 784, इसमें से माइनस की दीजिए, इसमें से माइनस की दीजिए, इतना आएगा। अब हमको ए निकालना है बाई बार माइनस बी टी बार, तो बाई बार हो गया बी टी माइनस माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस भी यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसको इससे गुणा करेगा 28 जोड़ने कितना आएगा 7.41, यहाँ पर क्या है आपको पॉइंट है, ठीक है फॉर्मूला समझ लीजिए पॉइंट है। अभी टी बराबर 9 सवाल में लिखा नहीं कि टी बराबर 9, लेकिन सवाल में बोला है 2017 का निकालो,
तो हम टी कितना ले लिए, टी कितना आ गया 9 आ गया, बाई कैप ए प्लस बी टी 9x बन गया है ना, ये 7 हो गया, 16 का 8 हो गया, 17 का 9 हो गया। चलो पॉइंट बी टी मैग्नीट्यूड कर दो 6.78। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको यदि कोई डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू।